हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑफलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोनाउन का पार्ट 3 पढ़ेंगे, और इस पार्ट में हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन्स के कुछ रूल्स हम स्टडी करेंगे, और किस तरीके से वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या दूसरे सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे, और रूल्स के थ्रू हम उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लें। यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। test.englishadvantage.in ये वेबसाइट का नाम है, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो उसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद साइन इन करके इसको आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं और रियल टेस्ट हैं, जिस तरीके के टेस्ट आपके एग्ज़ाम में होते हैं, और ये टेस्ट आपको कंप्यूटर पर देना है, पर्सनल कंप्यूटर पर देना है आपको, और ठीक उसी तरीके से जैसे आप रियल एग्ज़ाम में देते हैं। तो इससे आपको एग्ज़ाम के देने की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, और इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आप ले सकते हैं, और मेरा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस पार्ट में हम 3 प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आप पार्ट 1 में आप पढ़ सकते हैं, और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में आप पार्ट 2 में पढ़ सकते हैं, और इसमें हम लेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन 3 के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टडी करेंगे। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये वर्ड आते हैं, आपको मेन मेन चीज़ें पढ़ना है जो कम्पिटेटिव एग्जाम में आती हैं या जो दूसरे टेस्ट में आती हैं, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना या पॉइंट आउट करना। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ दिस इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, तो मैं इस गिफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए दिस जो होगा वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और दिस जिस तरीके से होता है दिस, उसी तरीके से होता है दैट, लेकिन दिस होता है किसी पास की वस्तु को जब हम बताते हैं तो उसके लिए दिस होता है, और दिस सिंगुलर होता है, ठीक है। दैट दूर की वस्तु के लिए होता है, दैट भी सिंगुलर होता है, और दीज और दोज ये प्लूरल फॉर्म है इसके, जिसमें ऐसे दीज आपका पास की वस्तु के लिए होता है, और दोज आपका दूर की वस्तु के लिए होता है, और सच का मतलब होता है ऐसा। तो ये सारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें, और दिस, दैट, दीज, दोज, सच आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स। जब हम इसको किसी भी वर्ड को जब हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव माना जाता है। तो इसको हम दिस को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है, बुक के साथ ये लगा हुआ है दिस वर्ड, तो इसलिए हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना बोलते हुए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर सच, ये पीपल नाउन के साथ लगा हुआ है, तो सच पीपल को हम बोले, सच को हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम देखिए कुछ रूल देखते हैं यहाँ पर इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस के थ्रू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल नंबर 1 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस एंड दोज आर यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए प्रीसीडिंग नाउन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ का क्लाइमेट, चंडीगढ़ का मौसम, इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ आगरा, मतलब चंडीगढ़ का क्लाइमेट आगरा के क्लाइमेट से अच्छा है, बेटर है। लेकिन इस सेंटेंस, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत नहीं है, और यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट, आप देख सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में चूंकि क्लाइमेट और क्लाइमेट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस वाले, ये जो क्लाइमेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर दैट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा, दैट ऑफ आगरा मीन्स चंडीगढ़, दैट ऑफ आगरा मीन्स क्लाइमेट ऑफ आगरा। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है और ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस नीचे वाला एक बेटर कंस्ट्रक्शन है, और इसमें से यदि आप दैट ऑफ निकाल देंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ इज बेटर देन आगरा, तो इसमें चूंकि यहाँ पर दैट ऑफ नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस करेक्शन में और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। और दैट ऑफ का प्रयोग आप करेंगे सिंगुलर के लिए, और दोज ऑफ का प्रयोग आप करेंगे प्लूरल नाउन के लिए,
ठीक है, दैट ऑफ का एकवचन के लिए और प्लूरल का बहुवचन के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली आर मच बेटर देन द इंस्टीट्यूट्स ऑफ मुरैना, मतलब दिल्ली के इंस्टीट्यूट मुरैना के इंस्टीट्यूट से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट दो बार रिपीट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे इंस्टीट्यूट के स्थान पर हम बोलेंगे यहाँ पर दोज ऑफ, और ये सेंटेंस थोड़ा सा बेटर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि दोनों ही सेंटेंस ये करेक्ट सेंटेंस हैं। उस तरीके से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसको पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ लें। जैसे एक सेंटेंस ये दिया है, देयर इज़ नो पीरियड इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज द गुप्ताज। ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इसमें एक पीरियड की तुलना दूसरे पीरियड पीरियड से नहीं हो रही है, ठीक है, इसमें एक पीरियड की तुलना गुप्ताज से हो रही है। तो ये वाला सेंटेंस सही है। देखिए, देयर इज़ नो पीरियड इन एंशियंट हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ गुप्ताज, मतलब गुप्ता का पीरियड। तो कोई भी पीरियड, कोई भी काल उतना अच्छा नहीं है, उतना महान नहीं है जितना कि गुप्ता का काल था। तो दैट ऑफ लगाने से ये हो गया कि यहाँ पर हमने पीरियड को, पीरियड के रिपीटेशन को रोक दिया। तो ये सेंटेंस, ऊपर वाला सेंटेंस गलत है और नीचे वाला सेंटेंस सही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं और इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। माई व्यूज़ आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी कमीशन, इसमें भी गलती है, इसमें माई व्यू की तुलना हो रही है यूनिवर्सिटी कमीशन से। माई व्यू की तुलना होनी चाहिए यूनिवर्सिटी कमीशन के जो व्यूज़ हैं उससे, ठीक है। माई व्यूज़ आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विथ दोज ऑफ, व्यूज़ जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है दोज ऑफ, ठीक है, और ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से ये रूल आपको पढ़ना है, आई मे हैव ऑफेंडेड यू बट सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, मतलब मैंने आपको हो सकता है तकलीफ़ पहुँचाई हो, मैंने आपको बुरा लगाया हो, लेकिन ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था, ऐसा मेरा इरादा नहीं था। तो यहाँ पर हम सच का प्रयोग इसलिए किया है कि ऐसा ऐसा को दिखाने के लिए कि इस तरीके का या ऐसा मेरा इरादा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर हमने सच का प्रयोग किया है। और सच का प्रयोग देखिए ऐसे भी होता है, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एंड एज सच, मतलब वह एक किंग का रिप्रेजेंटेटिव था, और ऐसा होने के नाते, एज सच का मतलब है कि ऐसा होने के नाते, एज सच दे ऑनर्ड हिम। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। द मैनेजर इज वेलकम्ड एज सच, मतलब द मैनेजर इज वेलकम्ड एज ए मैनेजर, मैनेजर होने के नाते हम मैनेजर का रिस्पेक्ट करते हैं, द मैनेजर का स्वागत करते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है। तो सच का प्रयोग इस तरीके से होता है सेंटेंसेस में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। When two things which already have mentioned in refer to are referred to, this refer to the thing last mentioned, that to the thing first mentioned. इसका मतलब क्या है? देखिए इसमें इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं, वर्च्यू एंड वाइस। वर्च्यू का मतलब होता है सदगुण और वाइस का मतलब होता है अवगुण, बुराई, ठीक है, वर्च्यू एंड वाइस। तो इसके आगे जब हम दिस और दैट का प्रयोग करेंगे तो दिस जो होगा वो वाइस को, वाइस के लिए आएगा, और दैट जो होगा वो वर्चू के लिए आएगा। जैसे वर्चू एंड वाइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस, दिस लीड टू हैप्पीनेस, दैट टू मिजरी। ये इनकरेक्ट क्यों है? देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में हम हमेशा दिस को दैट से पहले ही लगाते हैं, तो दिस और दैट की पोजिशन यहाँ पर सही है, लेकिन दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब है, दिस रेफर कर रहा है वाइस को, और वाइस होता है अवगुण, तो अवगुण की वजह से किसी को खुशी नहीं मिल सकती, उसको मिजरी ही मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा दिस लीड टू मिजरी एंड दैट टू हैप्पीनेस। तो नीचे वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं और नीचे वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। और उसी तरीके से अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, दिस, अब दिस किसके लिए आया है? दिस आया है टोबैको के लिए, और दैट आया है आपका अल्कोहल के लिए, ठीक है। दिस मतलब पास वाले के लिए, तो यहाँ से ये वाली चीज़ पास है, ठीक है, तो इसलिए दिस आएगा टोबैको के लिए और दैट आएगा अल्कोहल के लिए। तो इसमें लिखा है दिस परहैप्स लेस देन दैट, मतलब टोबैको जो है वो अल्कोहल से कम हार्मफुल है, ये इसका मतलब है। अब हम आगे देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ये सारे वर्ड आते हैं, इसके कुछ रूल मैंने इसमें लिए हैं इस पार्ट में, और कुछ रूल मैं नेक्स्ट पार्ट में लूँगा, क्योंकि यदि एक ही पार्ट में सारे रूल ले लेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है और बोरिंग भी लगता है। इसलिए इसमें मैंने 12 रूल लिए हैं और कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो कि बेसिक बेसिक सारे सेंटेंस हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है कि
ऐसा प्रोनाउन जो किसी डेफिनेट नाउन या प्रोनाउन को, जो किसी डेफिनेट ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है। जैसे यदि मैं बोलूँ समबडी, तो समबडी का मतलब होगा कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, ठीक है, उसमें कोई भी आ सकता है, या एनीबडी मतलब कोई भी व्यक्ति। तो ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं होते, इसका मतलब होता है इन जनरल। अब जैसे वन हम यूज़ करते हैं, वन एक्चुअली प्रोनाउन ही होता है, और जनरल सेंस में किसी व्यक्ति के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ओन सक्सेस, तो वन के बाद वंस ही पजेसिव केस के फॉर्म में आएगा, हिज नहीं आएगा। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पर वंस आपको लगाना होगा। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप, वन मस्ट नॉट प्रेज वंस सेल्फ, मतलब एक आदमी को अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वंस यहाँ पर पजेसिव केस की तरह यूज हुआ है, तो इसलिए वन सेल्फ ना आते हुए यहाँ पर आएगा वंस सेल्फ। यहाँ पर भी देखिए वंस आया है, और ये वन सेल्फ यूज होता है एक्चुअली इम्फेटिक प्रोनाउन के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, वन शुड नॉट, वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, मतलब एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी, वंस ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटी, जबकि पजेशन दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एस आया है, और खुद करनी चाहिए, वन सेल्फ का मतलब है खुद। तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटी, उसको खुद करना चाहिए एक व्यक्ति को। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। आगे हम देखते हैं वन ऑफ। अब देखिए वन ऑफ जो है, वन ऑफ, वन नहीं, वन ऑफ, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी, ठीक है, क्योंकि वन का मतलब होता है एक, और एक को हम चुनाव करते हैं, एक का हम चुनाव करते हैं कईयों में से, एक में से हम एक का चुनाव नहीं करते, कईयों में से हम एक का चुनाव करते हैं। इसलिए वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ, लिखा है यहाँ पर, और वन ऑफ के बाद ये नाउन जो लिखी है स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल में लिखी है और ये सही है। यदि यहाँ पर आप स्टूडेंट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें देखें आप, दे से, दे से मतलब जनरल सेंस में बात हुई है, दे से दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स। अब देखिए वन ऑफ द के बाद इसमें जो नाउन आई है यहाँ पर प्लूरल आई है, लेकिन जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है, क्योंकि ये वन ऑफ के साथ जुड़ी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा रूल है, दे से दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स, मतलब लोकल बैंक्स में से एक बैंक ने पेमेंट को स्टॉप कर दिया है। दे से दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स हैज़ स्टॉप्ड पेमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, वन ऑफ के बाद हम नाउन जो है वह प्लूरल में लेंगे, और उसके बाद जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर में लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से देखें। नन के रूल अभी मैं बताऊंगा, नन के बाद आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, और यदि सेंटेंस पर डिपेंड करेगा तो उसके बाद नॉर्मली हम प्लूरल ही लगाते हैं। तो इसके रूल अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले आप ये बेसिक चीज़ें देखें। यहाँ पर ऑल वॉज और वर और ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना, तो ऑल के साथ आप क्या लगाएंगे, ऑल का मतलब होता है सारे, ठीक है, तो सारे मतलब प्लूरल, तो इसलिए ऑल के साथ आप लगाएंगे वर, ठीक है। सम भी प्लूरल होता है, सम का मतलब होता है कुछ, मतलब एक से ज़्यादा, तो वो भी प्लूरल होता है, तो इसलिए सम के बाद आप लगाएंगे आर, ठीक है। समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, समबडी मतलब किसी व्यक्ति ने, तो यहाँ पर आप लगाएंगे हैज़। मैनी ऑफ देम, अब देम होता है प्लूरल, ठीक है, और प्लूरल का जो मैनी होगा तो वो भी प्लूरल ही होगा, इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे वर। तो इस तरीके से इन बेसिक चीज़ों को आपको समझना है। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम, यहाँ पर आप देम लगाएंगे या दे लगाएंगे। देखिए प्रपोजिशन जो होता है, प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट को आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम। और यहाँ पर देखिए वन और अदर ऑफ अस, मतलब हम में से कोई ना कोई एक, तो इसलिए यहाँ पर अदर लिखा है, अदर्स नहीं, क्योंकि अदर्स का मतलब होता है प्लूरल। वन और अदर मतलब हम में से कोई ना कोई एक व्यक्ति वहाँ पर रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये अदर जो लिखा है ये सही है, अदर्स आप कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डू गुड टू अदर्स, मतलब दूसरों का भला करो, तो दूसरों का मतलब काफ़ी सारे लोग आ गए उसमें, तो इसलिए यहाँ पर आप लगाएंगे अदर्स, ठीक है। तो ये बेसिक रूल हैं। अब ये देखिए, डिड यू आस्क एनी बडी टू कम, तो यहाँ पर आप एनी बडी लगाएंगे या सम बडी लगाएंगे,
चूंकि ये क्वेश्चन है तो इसलिए यहाँ पर आप एनी बडी लगाएंगे क्वेश्चंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में आप एनी बडी लगाते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम समबडी लगाते हैं, लेकिन ऑफर में भी हम समबडी का प्रयोग करते हैं यदि वो क्वेश्चन है तो। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, एनी इज़ यूज विथ निगेटिव एंड क्वेश्चन एंड सम विथ अफर्मेटिव। मतलब एनी को हम यूज़ करेंगे निगेटिव और क्वेश्चन के साथ, और सम को हम यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। एक तो ये आपका स्टेटमेंट है, ये एक रूल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो ऑफर के फॉर्म में हैं उनमें भी हम सम का प्रयोग करते हैं। देखिए आई डू नॉट हैव एनी बुक्स ऑफ इंग्लिश, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे एनी। आई हैव सम गुड बुक्स ऑफ इंग्लिश, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें हम लगाएंगे सम। और ये भी क्वेश्चन है लेकिन ये एक ऑफर है, वुड यू लाइक टू हैव सम राइस, ये ऑफर है तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे सम। हालांकि ये क्वेश्चन है लेकिन ये एक ऑफर है तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे सम। वॉट इज एवरीबडीज बिजनेस इज नो बडीज बिजनेस, दोनों जगह अपोस्ट्रफी एस में आएगा, ठीक है, जो हर किसी का बिजनेस है वो किसी का बिजनेस नहीं है, तो इसमें आप दोनों तरफ आप अपोस्ट्रफी एस लगाएंगे, एक तरफ भी आपने यदि हटाया तो वो गलत आपका हो जाएगा। अब हम यहां देखते हैं एनीबडी कैन डू इट इफ, यहां पर हम लगाएंगे दे, क्योंकि दे के अंदर एनीबडी में ही और शी दोनों ही आ जाएंगे, तो इसलिए यदि मैं ही लगाऊंगा तो शी नहीं आ पाएगा और शी लगाऊंगा तो ही नहीं आ पाएगा, तो एनीबडी के साथ आप यहाँ पर ग्रामर के हिसाब से आप दे लगा सकते हैं। और ईच ऑफ देम हैड, यहाँ पर आप हिज लगा सकते हैं क्योंकि ईच जो होता है वो होता है सिंगुलर, ठीक है, इसके रूल अभी मैं और बताऊंगा आपको। देखिए ईच एवरी ईदर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, देखिए एक इसमें आ रहा है तो इसलिए इसका मतलब होता है सिंगुलर, एवरी का मतलब भी प्रत्येक यानी सिंगुलर, ईदर का मतलब दो में से कोई एक यानी सिंगुलर, नीदर का मतलब दोनों में से एक भी नहीं यानी सिंगुलर। तो सभी में इसको यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सभी में एक वर्ड आएगा, ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, और नीदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं, तो इसलिए ये सारे वर्ड जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, ईच इज यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन सिंगली। ईच और एवरी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ईच हम छोटे ग्रुप के लिए यूज करते हैं, एवरी हम बड़े ग्रुप के लिए यूज करते हैं, तो इसका डिफरेंस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आप ये ध्यान रखें कि ईच और एवरी दोनों ही सिंगुलर होते हैं। और इसमें एक चीज और आप ध्यान रखें कि ईदर का प्रयोग और नीदर का प्रयोग, इन दोनों का ही प्रयोग केवल दो के लिए होता है, यदि दो से ज़्यादा के लिए आपको इसका प्रयोग करना है तो ईदर के स्थान पर आएगा एनी और नीदर के स्थान पर आएगा नन, ठीक है, तो ये है आपका रूल नंबर 6। अब हम आगे बढ़ते हैं, ईच में कम आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ओनली। देखिए ईच की जो पोजीशन है ये तीन पोजीशन इसकी हो सकती है, ईच की सब्जेक्ट से पहले आ सकता है ये, जैसे यहाँ पर आप देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, और सब्जेक्ट के एंड में आ सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 रुपीज़ ईच, तो ये ऑब्जेक्ट के एंड में आया है, ठीक है, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है इसमें, कॉन्ट्रीब्यूटेड वर्ब है और 50 रुपीज़ इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के एंड में आया है। लेकिन ईच को हम ऑब्जेक्ट के एंड में तभी लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट में कोई नंबर होता है, जैसे इसमें नंबर है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, अदरवाइज हम ईच को सब्जेक्ट से पहले, जैसे इसमें लगा हुआ है ये सब्जेक्ट से पहले, या फिर हम ऑब्जेक्ट से पहले हम लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट से पहले तो हम सभी कंडीशंस में इसको लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद एंड में जैसे यहाँ पर लगा हुआ है इसको हम तभी यूज़ करेंगे जब यहाँ पर कोई नंबर हो। जैसे इसमें आप देखें द गर्ल्स नरेटेड स्टोरीज ईच, ये सेंटेंस गलत है, ईच को हमने एंड में लगा दिया है, हालांकि इसमें कोई भी नंबर नहीं है इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है, और करेक्ट सेंटेंस होगा इसका ईच ऑफ द गर्ल नरेटेड स्टोरीज, इस तरीके से हम ईच को यूज़ में लाते हैं। एंड में इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई नंबर होगा, अदरवाइज हम इसको ऑब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट से पहले हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं नन, नन के आगे सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है,
ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर और उसके मीनिंग पर। देखिए यहाँ पर देखिए, ईच गर्ल वॉज एकम्पनीड बाय एन एडल्ट बट देयर वर नन विद द ऑर्फन। मतलब हर गर्ल के साथ एक एडल्ट था, लेकिन ऑर्फन जो व्यक्ति था, ऑर्फन जो बच्चा था, अनाथ जो बच्चा था, उसके साथ कोई भी एक व्यक्ति नहीं था। जब सभी के साथ एक एडल्ट है तो उसके साथ भी तो एक ही एडल्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम वर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नन के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए, ईच ईच गर्ल स्टूडेंट वॉज एकम्पनीड बाय एन एडल्ट बट देयर वॉज नन विद द ऑर्फन। तो ये सही है सेंटेंस, ठीक है। और इसमें आप देखें, ये वाला सेंटेंस देखिए, वी आर यूज टू अटेंड मैनी पेशेंट्स एवरी डे बट देयर वॉज नन टूडे। देखिए हम हमें आदत है कि हम डेली काफ़ी पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, लेकिन आज कोई भी पेशेंट नहीं था। तो जब हम डेली काफ़ी सारे पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, तो आज भी हमारे पास कोई पेशेंट नहीं थे। तो यहाँ पर हम लॉजिकली यहाँ पर वर लगाएंगे, ठीक है। देखिए, वी आर यूज टू अटेंड मैनी पेशेंट्स एवरी डे बट देयर वर नन टूडे। तो यहाँ पर इसको आप आराम से पढ़ें, इसको वीडियो को पॉज करके, टुडे देयर वर नो पेशेंट की जगह हम बोल सकते हैं देयर वर नन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सिंगुलर या प्लूरल हम यूज़ कर सकते हैं, और यदि कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो सिंगुलर में भी सही है और प्लूरल में भी सही है, तो हम प्लूरल को प्लूरल वर्ब नन के बाद यूज़ करते हैं। देखिए, नन ऑफ द स्कूल्स इन दिस एरिया आर मच इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। मतलब एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो क्वालिटी एजुकेशन में इंटरेस्टेड है। तो एक स्कूल पर भी ये अप्लाई होता है और सभी स्कूल्स पर भी अप्लाई होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसमें आर का प्रयोग करेक्टली किया है। और यहाँ पर कुछ एक बेसिक रूल दिस और इट के बताए हैं, ठीक है। देखिए, इट के थ्रू हम किसी फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, इट के थ्रू। जैसे इट इज़ ट्रू दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। और दिस के थ्रू हम उसका रेफरेंस जब बाद में देते हैं, तो उसको उसके थ्रू दिस के थ्रू हम उसका रेफरेंस देते हैं। जैसे इंडिया वन द वर्ल्ड कप एंड दिस वॉज ए ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल इंडियन। मतलब दिस के थ्रू हमने इस सेंटेंस का रेफरेंस दिया है। और इट के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी फ्रेज या क्लॉज को या स्टेटमेंट को, हम इंट्रोड्यूस करते हैं इट के थ्रू, और दिस के थ्रू हम उसको उसका बाद में रेफरेंस देते हैं। रूल नंबर 10 में क्या है, देखिए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, इनके बाद जब नाउन आएगी, ध्यान दीजिए यहां पर कि ईच ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, ईच ऑफ, ईच नहीं, ईच के बाद तो सिंगुलर आती है। देखिए, ईच बॉय मतलब प्रत्येक लड़का, ईच बॉय, ईच गर्ल प्रत्येक लड़की, ठीक है। लेकिन ईच ऑफ के बाद यहां पर जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि ईच ऑफ का मतलब है कि कई सारों में से एक, क्योंकि इसमें ऑफ लगा हुआ है यहां पर। तो ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी, और उसके पहले आप दा का प्रयोग करेंगे, ये एक रूल है। अब देखिए, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहां पर ईच ऑफ के बाद दा तो लगा हुआ है, लेकिन नाउन में नाउन सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्लूरल नाउन है लेकिन दा नहीं है, तो ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं आपके। और ये सेंटेंस आपका सही है, ईच ऑफ द बॉयज, नाउन भी इसमें प्लूरल है और दा पहले यहां पर लगा हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। और ईच सिंगुलर होता है, देखिए ईच के बाद बॉय आया है यहां पर, ठीक है, ईच बॉय, ईच ऑफ नहीं है, ये केवल ईच है, ईच बॉय इज डूइंग। अब यहां पर बॉय के साथ आप क्या लगाएंगे, बॉय के साथ हम लगाएंगे हिज, तो हिज यहां पर सही लगा है। यदि आप हर लगा देंगे यहां पर या देयर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। अब देखिए, एवरीबडी में मैन मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, लेकिन जब मेल और फीमेल स्पेसिफिक नहीं होते तो हम मैस्कुलाइन जेंडर को प्रेफर करते हैं। तो यहां पर हिज हम लगाएंगे, और ये सेंटेंस करेक्ट है, और ये सेंटेंस करेक्ट है। अब यहां पर देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहां पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम जो प्रोनाउन लेंगे वो पास वाले नाउन के हिसाब से लेंगे, मतलब गर्ल के हिसाब से यहां पर हम हर लेंगे। तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है। और ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 12 जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। इफ ईच इज यूज्ड विद ए सब्जेक्ट, इट इज यूज्ड बिफोर एन ऑक्सिलरी वर्ब।
अगर सब्जेक्ट के साथ यूज का प्रयोग हो रहा है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम इसका प्रयोग करेंगे और ऑक्जिलरी वर्ब से इसको पहले हम यूज करेंगे। देखिए ईच का प्रयोग ये सब्जेक्ट के बाद हुआ है और ऑक्जिलरी वर्ब हैव से पहले हुआ है, तो ये वाला नीचे वाला जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। तो इसमें हमने काफ़ी रूल्स लिए हैं और कुछ और रूल्स हैं वो हम दूसरे पार्ट्स में लेंगे। तो ये कुछ सेंटेंस लिए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इनको आपको करेक्ट करके मैं बताऊंगा आपको। देखिए, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ हैज़ बीन, ठीक है, और यहाँ पर दो प्रिंसिपल हैं तो दो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नीदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसका एक लॉजिक ये भी है कि यहाँ पर चूंकि सिंगुलर वर्ब दी है और नीदर के बाद केवल सिंगुलर वर्ब ही आती है, नन के बाद तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं लेकिन नीदर के बाद सिंगुलर आती है और यहाँ पर टू प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं, तो इसलिए हम नन को हटाकर, इस नन को हटाकर यहाँ पर हम लगाएंगे नीदर ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। सेंटेंस नंबर टू देखते हैं, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजिडीज। अभी मैंने आपको बताया था कि ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी, तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये प्लूरल में दी है और इसके बाद ये जो वर्ब है ये सिंगुलर में दी है, तो ये सेंटेंस आपका सही है और ये सेंटेंस का आंसर होगा डी, यानी नो एरर। इफ समवन हैज़ फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। अब देखिए यहाँ पर समवन आया है और समवन जो है वो शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, लेकिन हम ही को प्रेफर करेंगे यहाँ पर, तो ये सेंटेंस आपका सही है, नो एरर सेंटेंस ये है। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट में यदि ही और शी दोनों दिया है यहाँ पर, ही और शी, तो वो मोर करेक्ट माना जाएगा, मतलब ही भी दिया है शी भी दिया है और ही और शी दोनों दिया है, तो उसमें उस केस में आप ही और शी वाले ऑप्शन पे करेक्ट आप लगाएंगे, वैसे ये सेंटेंस आपका सही है। और ये वाला देखिए, एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव ए डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट ऑफ डॉक्टर शर्मा हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये, तो इस सेंटेंस में गलती देखिए कहाँ पर है, चूँकि एवरीबडी सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ पर हम देयर नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम लगाएंगे हिज, ठीक है, एवरीबडी क्योंकि सिंगुलर होता है इसलिए। अब देखिए ये वाला रूल देखिए, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये, और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो जिसमें दो नाउन एज वेल एज से जुड़े होते हैं, उसमें जो प्राइमरी सब्जेक्ट होता है वो एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, और एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट इसमें इसमें आपका सिंगुलर है और मैस्कुलाइन जेंडर में है, सिंगुलर है, मैस्कुलाइन जेंडर में तो नहीं है लेकिन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम देमसेल्फ के स्थान पर हिमसेल्फ लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स, तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो ऑफिसर है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम देमसेल्फ ना लगाते हुए यहाँ पर हम लगाएंगे हिमसेल्फ। ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, बी इसमें आपका आंसर होगा। और ये देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर मच बेटर देन हिम। देखिए बेटर देन से हम तुलना करते हैं, ये कंजक्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्लॉजेस को कंपेयर करें, तो चूंकि यहाँ पर यू आर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, ही इज, देन एक प्रपोजिशन नहीं है, कंजक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे ही इज, यहाँ पर हो जाएगा यू आर और यहाँ पर हो जाएगा ही इज, तो हिम ना लगाते हुए यहाँ पर हम ही लगा सकते हैं या ही इज लगा सकते हैं, तो इस सेंटेंस में जो गलती है वो है आपका सी। और ये कुछ और देखते हैं, ईदर ऑफ द चॉइसेस फिट द आंसर। तो ईदर ऑफ द चॉइसेस में ईदर जो है वो सिंगुलर है और ईदर ऑफ के बाद जो जो नाउन आती है वो प्लूरल में आती है, तो प्लूरल में ये नाउन लिखी हुई है, ये सही लिखी हुई है, लेकिन वर्ब यहाँ पर जो आएगी वो सिंगुलर में आएगी क्योंकि ईदर जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर फिट की जगह आप लिखेंगे फिट्स और बी इसमें आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, आई कुड नॉट मीट ईदर ऑफ माई थ्री ब्रदर्स। अब तीन ब्रदर्स हैं तो हम ईदर नहीं बोल सकते क्योंकि ईदर हम बोलते हैं दो के लिए, तो ईदर की जगह हम रखेंगे एनी और बी इसमें आपका आंसर होगा। ईच कैन बाय वॉट एवर ही वॉन्ट्स विद देयर ओन मनी। तो ईच चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम देयर नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम लगाएंगे हिज। एवरी वन ऑफ द मिस इंडिया कंटेस्टेंट ट्राई टू इम्प्रूव देम सेल्फ। अब देखिए यहाँ पर लगा है एवरी वन
और एवरीवन होता है सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हिमसेल्फ या हरसेल्फ लगा सकते हैं हम, लेकिन हम हिमसेल्फ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि मिस इंडिया कंटेस्टेंट जो होते हैं वो गर्ल होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे हिमसेल्फ ना लगाते हुए, यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो होगा आपका हरसेल्फ। ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आर ड्यूटी, ईच वन ऑफ अस, ईच वन इज सिंगुलर है लेकिन आर यहाँ पर लगा दिया है, तो आर तो प्लूरल होता है, आर का मतलब होता है हमारा, लेकिन यहाँ हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम में से हर कोई अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रहा है, तो अपनी ड्यूटी के लिए हम हिज ड्यूटी लगाएंगे क्योंकि आर ड्यूटी का मतलब हो जाएगा हमारी ड्यूटी, तो इसलिए आर को हटा के हम यहाँ पर हिज लगाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ये मेरा ऑनलाइन चैनल है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और ये मेरे सारे डिटेल्स हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर इसके थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, और एक ये इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, इसको आप लाइक करें, ये फेसबुक पर है, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, test.englishadvantage.in। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।